वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दिसंबर 1984, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसे इंडिया का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। एक ऐसा डिजास्टर जिसमें हजारों की तादाद में लोगों की जानें चली गईं। इंडिया के शहर भोपाल में रात 12 बजे के करीब, जब सारा शहर अपने घरों में सुकून की नींद सो रहा था, उस रात एक इंसेक्टिसाइड बनाने वाली कंपनी में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। अचानक से वहां काम करने वालों की आंखें जलने लग गईं। उन लोगों को लगा कि कोई गैस लीक हुई होगी। जब उन्होंने वहाँ का जायज़ा लिया कि गैस का लीकेज कहाँ से हो रहा है, तभी एक वर्कर ने देखा कि किसी जगह से एक लिक्विड ड्रिप हो रहा है और उसी लिक्विड के साथ एक पीले रंग की गैस निकल रही है, जिसे देख के वर्कर परेशानी में अपने सुपरवाइज़र के पास गया और उसे सारी बात बताई। लेकिन सुपरवाइज़र ने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उसका ये ख्याल था कि इतने बड़े प्लांट में ऐसे छोटे मोटे लीकेजेस होते रहते हैं। रात के 1 बजे तक वो स्मेल इस हद तक बढ़ गई कि वहाँ के काम करने वालों की आंखें बुरी तरह जलने लगी और लोग बुरी तरह खांसने लग गए। अगले ही 2 घंटों में वो गैस हवा के जरिए पूरे भोपाल में बुरी तरह फैल गई और इस जहरीली गैस ने हजारों लोगों को निगल लिया। गैस फैल जाने की वजह से वहाँ के करीबी कच्ची आबादी में 5,000 लोगों की मौत हो गई और ऑफिशियल्स का कहना था कि बाद में तकरीबन 25,000 लोग दम तोड़ गए। भोपाल की फैक्ट्री जिसमें यह हादसा हुआ, उस फैक्ट्री का नाम यूनियन कार्बाइड कंपनी था। यह एक अमेरिकन और काफी सक्सेसफुल कंपनी थी, जिसे UCIL यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। 1969 में इस कंपनी ने भोपाल में एक स्पेशल इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस करने के लिए अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला। उस इंसेक्टिसाइड का नाम था सेवन। इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए केमिकल की ज़रूरत होती थी, जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट MIC कहा जाता है, जो एक बहुत ही ख़तरनाक केमिकल है। सेवन बनाने के लिए MIC को बाहर से इम्पोर्ट करके इंडिया में लाया जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ 1980 में कंपनी को लॉस का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कंपनी के पास फंड्स की कमी होने की वजह से कंपनी ने डिसाइड किया कि वो MIC को इंपोर्ट करने के बजाय इंडिया ही में इसे मैन्युफैक्चर करेंगे, जो शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि केमिकल को बनाने के लिए कुछ ख़ास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट से इजाज़त मिलने पर यूनियन कार्बाइड कंपनी ने MIC बनाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी को यह हिदायत दी गई थी कि उन्हें कंप्लीट सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे और इवैक्यूएशन प्लान बना के देना होगा कि अगर कोई ख़तरनाक गैस लीक हो जाए तो किस तरह वहाँ के रहने वालों को इवैक्यूएट करना है। लेकिन ऐसा कोई प्लान कंपनी की तरफ से नहीं बनाया गया। यहाँ तक कि 1981 में उसी कंपनी के एक वर्कर की MIC एक्सपोजर की वजह से मौत हो गई, लेकिन प्लांट वैसे ही चलता रहा और कोई एक्शन नहीं लिया गया। गैस फैलने का हादसा तब हुआ जब पानी एक्सीडेंटली मिथाइल आइसोसाइनेट MIC स्टोरेज टैंक में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से खतरनाक केमिकल रिएक्शन हुआ और उसके नतीजे में जहरीली गैसेस के बादल हर तरफ फैल गए। उस हादसे के असरात आज तक भोपाल में शिद्दत से महसूस किए जाते हैं। वहाँ कोई ऐसा क्लिनिक नहीं है जहाँ गैस से मुतासर लोगों का इलाज किया जाए। भोपाल में ज़्यादा शरह उन बच्चों की है जो इस हादसे के बाद पैदाइशी एबनॉर्मेलिटीज़ का शिकार हैं। 5,70,000 अफराद ऐसे हैं जिन्हें गैस के असरात की वजह से किसी न किसी किस्म की बीमारी है, जिनमें बहुत से कैंसर और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नफसियाती मसलों का शिकार हैं।
कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं जिसने पूरी जिम्मेदारी ली हो उस जगह को महफूज बनाने और वहाँ के लोगों को तिब्बी सहूलियात देने में। गवर्नमेंट भी नाकाम रही। आज भी वहाँ 26 बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वहाँ का पानी जहरीला है, लेकिन वहाँ के लोग वही पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सिर्फ चंद घर ऐसे हैं जहाँ हैंडपम्प्स और ट्यूबवेल्स हैं और कुछ देहात ऐसे हैं जहाँ साफ पानी आता है। 38 साल गुजरने के बावजूद आज भी लोग गैस से मुतालिक बीमारियों की वजह से हॉस्पिटल जाते हैं। वो प्लांट जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया वो आज भी महफूज नहीं है। वहाँ के केमिकल वेस्ट की वजह से वहाँ के इलाके में हर जगह आलूदगी है जिसे सही तरीके से साफ नहीं किया जाता। इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात सामने आई कि MIC का पानी के साथ रिएक्शन हुआ तभी यह हादसा पेश आया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ यूनियन कार्बाइड कंपनी की गलती है। उनका स्टाफ सही तरीके से ट्रेन नहीं था और ना ही उन्होंने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सही तरीके से मेंटेन किया था, जिसकी वजह से पानी टैंक में लीक कर गया। जबकि यूनियन कार्बाइड का ये कहना था कि इंडियन गवर्नमेंट की गलती है, उन्होंने कंपनी को सेफ्टी डिजाइंस में चेंजेस नहीं करने दिए जिसकी वजह से ये डिजास्टर हुआ। उनका कहना था कि ये वहाँ मौजूद स्टाफ की गलती है और ये भी दावा किया कि स्टाफ ने साबोटाज किया है प्लांट को और ज़बरदस्ती टैंक में पानी डाला गया। बहुत से केसेस चलने के बाद 1989 में कोर्ट केसेस ख़त्म हो गए, जिसके बाद यूनियन कार्बाइड कंपनी ने डिसाइड किया कि वो $470 मिलियन इंडियन गवर्नमेंट को पे करेगा। भोपाल के लोगों को ये कंपनसेशन इंसाफ नहीं दे सकता था और वो प्रोटेस्ट करते रहे, जिसकी वजह से यूनियन कार्बाइड के खिलाफ आज भी क्रिमिनल केस चल रहा है। इस डिज़ास्टर के विक्टिम्स आज भी जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं और ना ही पैसा उस नुकसान को भर सकता है जो नुकसान वहाँ के लोगों का आज तक हो रहा है।